नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं डिस्कवरी पार्क सेक्टर 82 और आपको बता दें कल रात यहां एक फ्लैट में आग लग गई थी और आग लगने की वजह से वो पूरा घर जो है वो जल गया। और जब हम यहां सुबह अभी कवर करने के लिए आए हैं तो जो गेट पर है एंट्री निकलने दे रहे, कह रहे हैं मीडिया अंदर नहीं जाएगी और मीडिया को अंदर नहीं जान दे रहे ये लोग, जिसको लेकर आज यहाँ हंगामा हो रहा है। और आप देख सकते हैं अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे, और जिसको लेकर आज यहाँ बात करेंगे। जी एक मिनट, क्या नाम? मेरा नाम प्रियंका है। क्या हुआ ये देख लो, आप आपके सामने ही हो रहा है। यहाँ पे फ्लैट में कल रात को आग लगी है और उसके बाद अगर हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं तो ये लोग उस चीज के खिलाफ हो रखे हैं हमारे। कौन से फ्लैट में आग लगी? जे 503 में। जी तो अभी हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हम जाने। देखो ये हमारे पे देख लो गुंडा राज चलाते हैं, अगर हम इनके खिलाफ कुछ भी बात करते हैं तो कोर्ट से नोटिस पहुंचाते हैं। जी हमें डरा रखा है, हमने पैसे भी देते हैं, हम सब कुछ देते हैं और उसके बाद मीटिंग भी करके और हमारे पास कोर्ट के संबंध पहुंचते हैं जी इनके लिए। बालिया को तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए, बालिया जी से तो सुनो, वो तो एकदम झूठा आदमी है, उसको तो एंट्री नहीं करनी चाहिए उससे। वो अगर आ भी जाए तो कभी बात ना करें। सिक्योरिटी से आप लॉजिकल रीजन पूछो कि आपको एंटर क्यों नहीं करने दे। वो कहते हैं जी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट का अप्रूवल मिल गया आपको, ठीक है रेजिडेंट सामने बात की बात हो गई। अब कहते हैं कि नहीं अप्रूवल कहाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके आएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट से लेके आएंगे तो भाई उनका तो वेकेशन चल रहा है, 1.5 महीने बाद आना फिर तो आप बताओ कैसे काम चलेगा इनका। माइक डर है ये क्यों अंदर नहीं जाने देते ये बताओ, क्योंकि इनकी सारी गलती है। इनके फायर होस चल नहीं रहे थे, ये नाकाम रहे कल 3 घंटे। सुनो एक स्विच में आग लगी, उस स्विच से आग से पूरा घर जल गया। सोचो आप कितनी नाकामी है इन लोगों की। एक घर जला है, साथ में हजार भी जल सकते हैं। ये इन्हीं के साथ नहीं, सभी के साथ भी हो सकता है यार, उनका तो कुछ भी नहीं बचा। और फायर फाइटिंग सिस्टम है वो भी काम नहीं, वो भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, चैन की नींद सो रहे थे। इनके मैनेजमेंट में से अभी तक कल रात को 1:20 पे आग लगी थी और आज अभी कितना टाइम हो गया, 11:15, अभी तक किसी भी मैनेजमेंट ने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ, मरे जिए क्या हुआ, किसी ने नहीं पूछा। हमने भी अभी पता करा, जब पूछा इनसे कि जी हम ऐसे ऐसे आए हैं, वो कहा है तो कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो चले गए थे। हमसे तो ये कह रहे थे कि वो चले गए, मैंने कहा जी चले गए तो आग लगी है कोई बात नहीं तो हमें एक बार दिखा दो, तो कह रहे हैं नहीं जी वो तो ऐसे ही थी, छोटी मोटी आग थी, वो कोई दूसरा फ्लैट होगा उनका। वहाँ कितने लापरवाह है, रात से आग लगी, मैनेजमेंट से कोई एक इंसान नहीं आया पता करने के लिए उनसे कि आपका घर कैसे, आप कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, एक एक चम्मच नहीं बचा उनके घर में, कहाँ रहेंगे, छोटे 2 बच्चे हैं उनके। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एरिया मैनेजर हैं तो आप क्यों रुक रहे हैं बताओ, कारण मेरे को परमिशन चाहिए अपने सीनियर वो आ रहे हमारी परमिशन, आप रेजिडेंट वो खड़े दोनों वो खड़े, उन्होंने मना किया ना उनको बुलाओ यहाँ पे, क्यों नहीं बुलाते हम रेजिडेंट नहीं बुलाते उनको, तो बुलाओ चोर है इसलिए नहीं आ रहा ना वो, बुलाओ सर। हेलो आप सीनियर को बुलाइए, आप खड़े हो गए जबरदस्ती, आप आ गए हो, आप आ गए हैं किस तरह से ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा पंगा चल रहा है, घर में आग लग गई उसके बावजूद भी यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं लोगों में बड़ा आक्रोश है कि इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है और रात को 1 बजे करीब आग लगी है और उसके बावजूद भी यहाँ कहीं किसी ने कोई सुध नहीं ली और वो परिवार अभी सुबह घर से गया है क्योंकि घर में नहीं कुछ भी नहीं बचा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जब ये लोग यहाँ आए हैं जो यहाँ रहने वाले फ्लैट जो हमसे पैसा वसूलती है उनसे बात कर लीजिए, एक बार आप आइए देखो खड़े दोनों के दोनों, आप बात कीजिए आ जाइए। सिक्योरिटी अंदर नहीं आने दे रही थी लेकिन जब जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनके हंगामा करने पर जबरदस्ती अंदर आए हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि क्यों ये लोग हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट यहाँ की क्यों रोक रहे हैं, क्या है क्या, क्योंकि ये आप देख सकते हैं
सर लाइव चल रहा है प्लीज। सर लाइव चल रहा है। नहीं देखो खबर कितना है, रेजिडेंट है, हम लेके आए हैं, उनको किसी परमिशन चाहिए? इनके यही लोग हैं सर, यही लोग हैं, साथ आए हैं ना, इनके साथ आए हैं, इनके साथ आए हैं, ऐसा नहीं है। देखो 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 आप देख सकते हैं कि जो फिर हमारे इन पे केस किस तरह से, अगर हम गलत हो तो आप सही पॉइंट रखो ना, आप भाग के क्यों जा रहे हो, अपना सही पॉइंट रखो यहाँ करके, आप तो भाग के जा रहे हो क्योंकि आपको पता है आप गलत हो। कि आप क्यों आए हो, कैसे हो, हमें तो लेकर नहीं, अगर हम गलत हो तो अपना सही पॉइंट रख के जाओ, भाग के क्यों जा रहे हो आप तो भाग के निकल गए साइड से क्योंकि आपको पता है आप गलत हो। की समस्या है तो उसको सुनने के लिए आए हो, बिल्कुल उनकी ड्यूटी नहीं बनती है, आप यहाँ के मैनेज हो रहे हो, अगर आप यहाँ के तो आपकी ड्यूटी है आप सॉल्व करो, आप तो जाके अंदर कमरे में बैठ रहे हो एसी चला के अपना, चलो चलो इसके पीछे पीछे रहो, आप वहाँ वहाँ दिखाओ ना, वो लेके जाएंगे आज, वो कहाँ है, कौन जिनके घर आ रहे हैं, उनको उनका दिखाते हैं क्योंकि वो खुद ही बोलेंगे, आप यहाँ से फ्लैट देखो ना, फ्लैट दिखेगा है ना, वो खुद बोलेंगे, ये देख सकते हैं, ये रहा इधर से देखो आप, इधर ये क्लब में तो बैठे हैं, ये जो फील्डिंग देख रहे हैं आप, फिफ्थ फ्लोर पे रात को आग लगी, गलत कर रहे हो आप लोग, वीडियो कैसे बना सकते हो हमारे, अरे हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह